वेलकम टू स्लेट पत्ती टेंसेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है ऐसा काम या ऐसा एक्शन जो पास्ट में होकर ख़त्म हो गया था एक्शन दैट टुक प्लेस एट in इन past. फॉर एग्जाम्पल आई ज्वाइन दिस स्कूल लास्ट मंथ मैंने स्कूल को ज्वाइन किया लास्ट मंथ में यूजली पास्ट टेंसेज के जो हिंदी में सेंटेंसेज होते हैं उसमें लास्ट में था आता है यानी कि पता लगता है कि ये पहले ही काम ख़त्म हो चुका है एक्शन कंप्लीटेड कभी कभी ये, ये यूज होते हैं पास्ट हैबिट्स के लिए जैसे आई यूजली वेंट होम ऑन संडे मैं संडे को घर जाया करता था पास्ट में ही ख़त्म हो गया उसकी हैबिट थी वो हर संडे घर जाया करता था लेकिन वो पास्ट में ही ख़त्म हो गई एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट ये एक्शन पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया प्रेजेंट तक नहीं आया फॉर एग्ज़ाम्पल आई लिव एट देहरादून फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव टू टू थाउजेंड नाइन वही एक्शन ये ख़त्म हो चुका तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया जो भी काम प्रेजेंट में नहीं आया वो कहलाता है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आता है वर्ब के तीन फॉर्म्स होती हैं सिंपल पास्ट टेंस में इसका सेकेंड फॉर्म आता है दे वॉज अ मूवी येस्टडेस्टडे का काम है मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमने इसको सिंपल पास टेंस के सेंटेंस में लिखा दे वॉजड अ मूवी येस्टडे हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट की बात है क्योंकि इसमें येस्टड आया उससे पता चला इसलिए हमने इसको सिंपल टेंस में लिखा इसमें क्या होता है वर्ब के सेकेंड फॉर्म में या तो कुछ वर्ड्स में ई डी लग जाता है या फिर उनकी फॉर्म बिल्कुल ही चेंज हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल गो की फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाती है गो का हो जाता है वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म गो का होता है वेंट और कुछ पे वर्ब के साथ ई डी लग जाता है जैसे अटेंड अटेंडेड ये बात बहुत ध्यान देने की है कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म में हमेशा हम कन्फ्यूज़ होते हैं और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं या फिर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगती है इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना हो तब क्या होता है सब्जेक्ट सबके सब्जेक्ट के बाद आ जाता है डिड नॉट डिड आता है हमेशा पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस में डू और डज आता था पास्ट टेंस में डिड आता है डिड के साथ नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम नेगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यानी कि सेकेंड फॉर्म चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है फॉर एग्जाम्पल दे डिड नॉट वॉच अ मूवी येस्टर वॉचड का हो गया फर्स्ट फॉर्म वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव फॉर्म में और इंटरोगेटिव में दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म आ जाती है मतलब सेकेंड फॉर्म चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है जब हम इसको चेंज करते हैं अगर हम इसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड दे वॉच अ मूवी येस्टडे इन दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डिड आगे चला जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट और फिर वो एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बस ये बात ध्यान रखने की है कि नेगेटिव में चेंज करने के लिए और इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हम डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं वी डैश स्टोरी बुक्स फ्रॉम अ सेल येस्टडे हमारा वर्ब है बाय बाय का सेकेंड फॉर्म आएगा यानी कि बाय का हो जाएगा बॉट

हमारा वर्ब फॉर्म है रिसीव तो रिसीव का हो जाएगा रिसीव्ड पिंकी डैश वेल सिंग सिंग का हो जाएगा डेगा इसके अंदर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और पास्ट टेंस में होता है कि एक्शन जो पास में कंप्लीट हुआ हो और स्टार्ट भी पास्ट में ही हुआ हो ठीक है थैंक यू आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू